हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस समय शाम का ये रूटीन था जो मैंने शाम को ब्लॉग स्टार्ट किया था। इस समय 6 बजे थे और यहाँ पर सामने मेरे बैठा है कोई, उसी से बातें भी हो रही थी और सब्जी पापा ढेर सारे लाए थे। उसी सब्जी को मैं सब निकाल रही थी कि अभी से धुल उल के सब सही करके डालूंगी फ्रिज में। तो यहाँ बैठ गई थी आराम से मैं, एकदम जैसे होता है ना, एकदम सब्जी जब पापा लेके आते हैं तो मैं पूरी आराम से पलती उलती मार के बैठ जाती हूँ कि चलो अभी से अच्छे से रखना है। तो क्योंकि शाम भी तो हो गई है, सब्जी भी कटिंग करना है, तो मैं इस अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना स्टार्ट कर दी थी। थोड़ी सी फास्टिंग इसका बढ़ा दी हूँ और यहाँ पे मैं फटाफट फ्रिज से निकाल रही थी। ये लौकी का हाल देख रहे हैं, किस हाल में हो गया है बेचारा, लग रहा है इसे लकवा मार दिया है तो ऐसी हालात हो गई है। बट क्या करें, इतनी ढेर सारी सब्जियां ला के रख देते हैं ना कि वो ऐसे पड़ा रह जाता है, कितना बनाऊंगी। और डेली 2-3 सब्जी बनती ही है। तो यहाँ देखिए, मैंने अपने नमक वाले सॉल्ट वाले जो डिब्बी थी उसे मैं दोनों को धुल दी थी। एक में ब्लैक नमक जो होता है काला वाला वो डालती हूँ, एक में ये टाटा नमक डालती हूँ। तो वो दोनों भी, ये शाम को जब मैं किचन में खड़ी होती हूँ ना, सब्जी छौकार लगा देती हूँ, फिर धीरे धीरे सारी चीज़ें, ये बर्तन जैसे धुल के रखे गई हैं उसे सेटिंग करना, सारे स्पून जो हैं उसे स्टैंड में डालना। तो ये हमारा डेली का शाम का ये रूटीन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सोचा चलो आज आपको कुछ अपने शाम 6 बजे से 7 बजे तक का अपनी रूटीन दिखाती हूँ। उसके बाद मैंने फिर कुछ काम करने लगी, मुझे ब्लॉग का ध्यान से उतर गया कि आप लोग के साथ सब्जी वगैरह शेयर भी किया जा सकता था, लेकिन बट नहीं हुआ। उसके बाद मैंने यहाँ पे सारी सब वो चीज़ें सब उठा के रख ली, स्टैंड में डाल दी। और स्टैंड में स्पून जब तक नहीं पड़ता ना, क्या होता है बच्चे खुश हैं अक्सर और हमें को ज़रूरत पड़ता है, फिर इधर उधर स्टैंड में, उस इधर उधर क्या उसी स्टैंड में पड़ा रहता है, नीचे रहता है, बड़े बड़े बर्तन के नीचे तो मिलना नामुमकिन हो जाता है। ऐसे सामने जब कोई चीज़ ना सजा सजाए मिल जाए। अच्छा, आप लोग ये देखिए, स्पून हमेशा चम्मच सब जगह रहती है, बट क्या होता है ना, कुछ लोग केयर नहीं करते, इधर उधर ऐसे उधर उधर में रहते हैं तो लोगों को उठाने में भी दिक्कत होती है। तो ये देखिए, गुड मॉर्निंग हो गई, गुड मॉर्निंग। सुबह मैं उठी, समय 5 बज रहा था और मैंने रात को क्या की थी, नाइटी नहीं डाली थी साड़ी पे ही, ऐसे क्या मौसम थोड़ा ठंडा था, बारिश हो रही थी तो मैंने वही पहनी ही सो गई थी। अभी रूम से जस्ट निकली हूँ तो बाथरूम का लाइट जलता रहता है हमारे, इसलिए कि रात को घर में अंधेरा पूरा नहीं रखा जाता। तो यहाँ पे मैं मुँह धुल रही हूँ, थोड़ा सा उठने बाद पहले मैं मुँह धुल लेती हूँ, उसके बाद ही ब्रश स्टार्ट करती हूँ। और भगवान जी का हाथ जोड़ना था तो अभी सर इधर पीछे हाथ नहीं जोड़ा जा सकता है, क्योंकि बता रही थी ना पूजा पाठ अभी नहीं चल रहा है। तो यहाँ मैं ब्रश अप करूँगी और ब्रश करते करते ही मैं थोड़ा थोड़ा टहल भी लूँगी। टहलने से होता है, जैसे सुबह मॉर्निंग या मेरी आदत है ना, मैं ब्रश करती रहती हूँ, टहलती रहती हूँ, ब्रश करती रहती हूँ, टहलती रहती, जैसे नहीं होता मॉर्निंग वॉक हो जाए उस तरीके से। तो अभी कोई भी नहीं उठा है, मैं अकेले देखे ब्रश कर रही हूँ, टहल रही हूँ। और सोने के बाद साड़ी के हालात तो बिगड़ी जाते हैं, कैसे हो जाते हैं आप लोग भी देख ही लीजिए। अब अभी चैनल में देखिए ताला लटका हुआ, अब मैं चैनल का भी ताला खोलूँगी, इससे भी हटाऊँगी, पर्दे हटाऊँगी, अभी अंधेरा अंधेरा सा सब है। तो चलिए देखिए क्या क्या हो रहा है। थोड़ा सा मैं लगे हाथ, वही कहते हैं ना सुबह उठने के बाद लगे हाथ, मैंने थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ, थोड़ी सी एक्सरसाइज भी इधर उधर कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना, थोड़ा सा शरीर एकदम फुर्तीला अजीब महसूस होता है, लगता है कि हाँ फ्री है थोड़ा सा, बस अपने शरीर को इधर उधर जो रूटीन होता है उसमें ज़रूर, मुझे लगता है मॉर्निंग में ज़रूर थोड़ा सा कर ही लेना चाहिए, जिससे
थोड़ी सी सारी जो मांसपेशियां होती हैं सारी ना शरीर की, वो सब एकदम हिल के अच्छे तरीके से बराबर हो जाती है। तो यहाँ मैं बाबू के लिए पानी भी रख दे रही हूँ, क्योंकि अभी उसे भी उठाऊँगी अपने नहाने धुलने के बाद, तो उसके लिए भी नहाना है। तो बाबू को थोड़ा ठंडा लग रहा है, अभी सर्दी जुकाम हो जा रहा है, तो इसीलिए तो यहाँ मैं ब्रश करते करते मैं अपने किचन का इस तरीके से काम करती हूँ। बट बनाने वाला नहीं कुछ करती हूँ, जैसे पानी रख देती हूँ, दूध निकाल के बाहर रख देती हूँ, इससे क्या फ्रिज से निकलने के बाद थोड़ा सा अच्छे से हो जाए ये सब चीज़ें, कि नॉर्मल हो जाए, फिर गैस पे चढ़ाना हो तो दिक्कत ना हो। तो इस तरीके से मेरा एक सुबह का मॉर्निंग शाम से लेकर शाम 7 बजे 6 बजे 7 बजे तक था। फिर उसके बाद सुबह 5 बजे मैंने उठने के बाद आप लोग के साथ ऐसी रूटीन शेयर की। तो समझिए शाम 6 बजे से सुबह मॉर्निंग 10 बजे तक मैंने आप लोग के साथ अपनी रूटीन कुछ इस तरीके शेयर की। पूरी लंच के साथ तो नहीं की, यहाँ मैं नहा धुल कर आ गई, पूजा पाठ तो करना नहीं है। तो आज मैंने ये सूट जो पहना ना, इसमें मुझे नहीं और लोगों को भी लग रहा कि मैं गंवार हूँ, इस तरीके से दिख रहा ना, जैसे लग रहा है कि अजीब सा किसी का मांग के पहनी हूँ, भीख मांग के, अजीब सा लग रहा है। तो लेकिन इसीलिए मैं इस सूट को डालती नहीं हूँ, पता नहीं क्यों इसका ऐसा लगता ही है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता, इनको भी नहीं अच्छा, इसलिए मैं नहीं पहनती हूँ। अब तो क्या ही बोलूँ, बोलने का मन भी हंसी आ रही है, क्या बोलूँ इसे, क्यों लग रहा है बहुत बाबा जी की तरह किसी के मांग के पहन के तैयार हो गए हैं इस तरीके से। खूब अच्छे होंगे और किचन से मेरा ब्लॉग भी आप लोग के साथ शेयर किया कि सुबह मॉर्निंग उठे ब्रश वगैरह करने के बाद फ्रेश हो गए, एकदम नहा धो के फ्रेश हो चुकी हूँ। तो यहाँ मेरी बच्चों की लंच बॉक्स के लिए तैयार हूँ, यहाँ मैंने गा के कुछ कटिंग कर ली है। और आज मैं बच्चों को दूँगी रोल ओनियन और इसका बना के रोल दूँगी लंच में, दूर करूँगा। तो चलिए ब्लॉग के साथ कंटिन्यू, ब्लॉग के साथ कंटिन्यू बने रहिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, चलिए अपना करते हैं काम। तो चलिए मैं ये दिखाती हूँ ये क्या है। इसे हमारे यहाँ बंडा कहा जाता है, जो सफ़ेद सफ़ेद लम्बा लम्बा सा बत्ता जैसे अरुई होता है, बंडा होता है वैसे बंडा। इसे मैं बॉयल करके रखी हूँ और शाम को इसे नाश्ते में पापा के लिए कचालू की तरह जैसे फ्राई होता है वैसे फ्राई करके दूँगी। तो मैं आप लोग को सोची थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसका भी लुक। और जब बनाई तो मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं की, मिस्टेक हो गई और वीडियो शाम को ही एडिट हो रहा था, पूरा दिन मन नहीं किया। और यहाँ पर देखिए सफाई अभियान मेरा चालू है, बोल रही हूँ ना डेली का डेली। तो यहाँ मैं सर्फ निकाली और जो भी गंदे पार्ट जहाँ पे वहाँ पे मुझे दिखे, कितने अजीब से दिख रहे हैं ना, गंदे गंदे, इसे रगड़ के सर्फ से मैं अच्छे तरीके से धुल रही हूँ। देखिए हाथों से रगड़ रही हूँ कैसे गंदे छूट रहे हैं ना अजीब से। तो इसी अकॉर्डिंग मैं आज इतना मेहनत की ना, पूरा थक गई थी कि मुझे वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। तो एक हाउसवाइफ जो होती है ना, उनका वर्क पूरा दिन होता है, पूरा दिन होता है, करते करते कमर टूट जाए पर कोई नाम नहीं लेता कि तुम कितना करती हो, अब रहने भी दो ना। तो चाहे ये ना चाहने के बाद भी आपको करनी होगी, आपको समझ में आ रहा होगा जब मेरी परछाइयाँ पड़ी तो उसे गंदा और जहाँ पे साफ़ है वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। तो पूरी अच्छे तरीके से इसे बेड को मैं साइड में हटा दी हूँ, अभी देखिए रगड़ रगड़ रही हूँ ना, काला काला अजीब सा दिख रहा है। तो इस तरीके से मेरी सफाई अभियान चालू है आप लोग के साथ। तो थोड़ा थोड़ा ब्लॉग मैं पूरा आज नहीं डाली, और आज मेरा सूट ब्लॉग था, समझिए सूट साड़ी दोनों ब्लॉग मिक्स था। तो इस तरीके से एक इंडियन मॉम अपनी डेली रूटीन को अपनी इस तरीके से बिजी लाइफ रखती है। शाम 6 बजे से सुबह 10 बजे तक मेरा कैसा दिनचर्या था आप लोग के साथ दिखा ही थी। और वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। प्लीज़ आप लोग एक कमेंट किया करिए और सब्सक्राइब कर दिया करिए और लाइक कर दिया करिए, उससे क्या होता है ना, एक अच्छी सी मोटिवेशन मिलती है, खुशियाँ मिलती है और क्या और कुछ मिलता है। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इसे सफाई कर लूँगी और कुछ भी नहीं, क्योंकि और भी मैं काम बहुत की थी बट वो सब मैंने ब्लॉग ही नहीं शूट किया, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। तो आप लोग को थोड़ा सा मैं बस दिखा दे रही हूँ कि ये जब पुट्टी रहती है, पुट्टी पे आप आसानी से है ना, पुट्टी अभी लगा, अभी कलर हम नहीं लगवाए हैं क्योंकि बच्चे हैं तो साल 2 साल बाद सोचे ही थे। तो
पुट्टी पे आप अच्छे तरीके से ऐसे रगड़ के सर्फ से गंदे हैं अगर धुल रही हैं तो बहुत अच्छे तरीके से धुला जाते हैं गंदगी। ये नहीं है कि आपका साफ नहीं होगा, जैसे कुछ माइंड में होता है ना कैसे दीवार है धुलेंगे तो कलर छोड़ देगा या ये हो जाएगा, क्योंकि अभी कलर तो मेरे पे लगा नहीं है इसलिए पुट्टी है तो आराम से उड़ा रहा है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक।